अस्सलामुअलैकुम, जेएन न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। ब्रिटेन का आगाज करेंगे और बात करेंगे कुछ कोरोना की सूरत हाल की। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 3,344 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि 50 मरीज दम तोड़ गए। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है, जहाँ 94,000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। पंजाब में 82,000 के करीब, KPK में 28,000 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड हुए। इस्लामाबाद में 1,394, बलोचिस्तान में 1,814, गिलगित में 1,561, आज़ाद कश्मीर में 1,342 केसेस रिकॉर्ड हुए। अमवात की मजमू तादाद 4,762 हो गई। खुशाइन बात यह है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस से मुतासर 1,31,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जो कि मुल्क में कोरोना से एक्टिव केसेस की मजमू तादाद से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। ज़फ़र मिर्ज़ा की जानिब से ट्विटर पैगाम में तस्दीक कर दी गई। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने मेडिकल एडवाइस के मुताबिक ख़ुद को घर में क्वारंटाइन करके तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लीं। उन्होंने बताया कि इन्हें हल्की सी अलामत हैं, मेरे लिए दुआ करें, अपना बेहतरीन काम जारी रखें, आप बड़ी तब्दीली ला रहे हैं और मुझे आप पर फ़ख्र है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रस्त ने स्कूल खोलने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था कि सूबे में तालीमी इदारों को खोलने का फैसला 15 अगस्त को हालात देखकर किया जाएगा। खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं कि वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रस्त ने स्कूल खोलने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना है कि सूबे में तालीमी इदारों को खोलने का फैसला 15 अगस्त को किया जाएगा। इस हवाले से हम मज़ीद तफ़सीलात लेंगे हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद शहराज से। जी शहराज जी बिल्कुल, पाकी वज़ीर तालीम जो है उन्होंने अहम फैसला किया है और उसमें कहा गया है कि जो स्कूल है पंजाब को 15 अगस्त को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि हालात ठीक नहीं है और जब हालात ठीक होंगे तब स्कूल खोला जाएगा। उनका कहना था कि स्कूल खोलना आसान है, लेकिन अगर किसी जान को खतरा पड़ गया तो फिर लोग जो है वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँ कि उनका ये भी कहना था कि लंच टाइम पे या ब्रेक टाइम पे जब हम स्कूल खोलेंगे तो बच्चों को भी इकट्ठा होने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी सेहत को खतरा पड़ सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि कल जो है वफाकी वज़ीर तालीम शौकत महमूद की सरबराही में तमाम बिनसूबाई वज़रा के कैफ़ेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें ये भी कहा जाएगा कि मुल्क भर के जो तालीमी दर है उनको खोला जाए या नहीं। जी बहुत शुक्रिया शहराज। भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर खिलाफ वर्जी, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय जारहत जारी। ISPR के मुताबिक दो बच्चों और दो मामर खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। निकाल सेक्टर में की गई खिलाफ वर्जी का पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत का मकरू चेहरा फिर दुनिया के सामने आ गया। एहतसाब अदालत ने पार्कलैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और दीगर मुलजमों पर फर्दी जुर्म आयद करने की कार्रवाई 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। समाअत की मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुलरहमान। जी अब्दुलरहमान, एहतसाब अदालत की कार्रवाई से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में पार्कलैंड पर समाअत हुई, जिसमें आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्दी जुर्म आयद करना थी। केस में आज वकील आसिफ अली जरदारी फारूक कैच नायक और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत के रूप में पेश हुए। जिसमें अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो वकील फारूक कैच नायक ने अदालत को बताया कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और इस पर जो कार्रवाई है वो उसको करना थी, स्टेट बैंक को करना थी, पर उसके पास जो है अख्तियारात ही नहीं। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की पार्कलैंड रेफरेंस खारिज करने के दरख्वास्त पर जो है उनको बताया कि हम नैब को नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने नोटिस वसूल कर दिया है और आज ही जवाब देंगे अदालत। और मजीद उन्होंने इस्तेदा की कि आसिफ अली जरदारी की जो दरख्वास्त का फैसला है वो आज ही करें। आज ही आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुलजमान जो है उस पर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नायक ने मजीद बताया कि मुझे अपनी दरख्वास्त पर दलाइल के लिए बख्तर कार है
जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि हम आपको 9 जुलाई का मौका देते हैं, आप 9 जुलाई को पेश हो जाएं। पर उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया गया, जिस पर जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई 14 जुलाई को मुलतवी कर दी। 14 जुलाई की समाप्त की जाएगी और करने की कार्रवाई है जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस में वजीर आला मुराद अली शाह ने आज नैब में पेश होने से माजरत कर ली। नैब ने मुराद अली शाह को 8 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस में नैब ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को आज तलब कर रखा है। ताहम वजीर आला सिंध ने आज पेशी से माजरत कर ली। नैब ने वजीर आला सिंध को 8 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। मुराद अली शाह को 8 जुलाई को नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि नैब ने मुराद अली शाह को 28 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी भिजवा रखा है। मुराद अली शाह को अगली पेशी पर इन 28 सवालों के जवाब देने होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पबजी गेम मौतली के खिलाफ दरख्वास्त पीटीए को भिजवा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीटीए कानून को मद्देनजर रखकर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला करे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज पबजी गेम की मौतली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर सुनवाई की और उसकी जो दरख्वास्त है वो पीटीए को भिजवा दी गई है उनकी जानिब से। और पीटीए को कानून को मद्देनजर रखकर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला करने की हिदायत जारी की गई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस की जानिब से। और शहरी अब्दुल हसीब नासिर की दरख्वास्त पर जो है यह समाप्त की गई, जो गुजश्ता रोज पबजी पर गुजश्ता चंद दिनों में पबजी पर बैन लगाया गया था, बाद सोशल मीडिया पर भी काफी गम का इजहार किया गया जो खेलने वाले हैं पबजी उनकी तरफ से, और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी रहा अनबैन पबजी के नाम से। और जिस पर आज समाप्त हुई, पर 8 जुलाई को पीटीए की तरफ से जो है फैसला जारी करने का कहा गया है। और जस्टिस की जानिब से कुछ सवाल भी किए गए वकील से कि ये गेम क्या है, ये गेम है या वेबसाइट है, और ये भी उनकी जानिब से पूछा गया कि क्या इसकी कानूनी हैसियत क्या है, जो दरख्वास्त दायर की गई है, जो मौतली इसकी की गई है, इसकी कानूनी हैसियत बताई जाए। और पीटीए को जो इख्तियार है वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कानून के कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसला करने के और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की, जिस पर पीटीए की जानब से मौके पर तैयार किया गया था कि लाहौर पुलिस ने की जानब से जो है खिलाफ पबजी गेम के खिलाफ एक लेटर लिखा गया जिसमें खुदकुशियों का जिक्र किया गया था, और काफी वालदैन की जानब से भी जो है इसके खिलाफ और जो है देखने में आई है। वालदैन जो है काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है बच्चों की बहुत जो है वक्त जाया करने में भी और दीगर जो है मुश्किल पेश आ रही है पढ़ाई लिखाई के हवाले से बच्चों को। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आयतुल्ला दुरानी मुख्तसर अदालत के बाद इतवार को क्वेटा में इंतकाल कर गए। वो क्वेटा के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। इनकी वफात पर मुल्क की सियासी क्यादत ने गहरे अफसोस का इजहार किया है। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने आयतुल्ला दुरानी के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम पार्टी के नजरियाती और वफादार कारकुन थे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरहूम के इंतकाल पर रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर आयतुल्ला दुरानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सच्चे नजरियाती और वफादार सिपाही थे। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर बुखारी ने भी साबिक वफाकी वजीर आयतुल्ला दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियाँ शहबाज शरीफ ने भी डॉक्टर आयतुल्ला दुरानी के इंतकाल पर इजहार ताजियत करते हुए कहा कि इनकी वफात जमहूरियत पाकिस्तान और माशरे का बड़ा नुकसान है। सेनेट में कायदे ईवान सेंटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने साबिक वफाकी वजीर आयतुल्ला दुरानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया। उन्होंने अपने ताजियती पैगाम में कहा कि मरहूम आयतुल्ला दुरानी एक अच्छे और मिलनसार इंसान थे। सेनेट में कायदे इस बिखलाफ राजा मोहम्मद जफर उल हक ने भी मरहूम की मगफरत के लिए दुआ की और कहा कि उनकी जमहूरी जिद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। राजा मोहम्मद जफर उल हक ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम की मगफरत फरमाए। स्पीकर कौमी असेंबली कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत आयतुल्ला दुरानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार। उनका कहना था कि मरहूम डॉक्टर आयतुल्ला दुरानी एक जीरक और मुदब्बर सियासी रहनुमा थे। उनकी सियासी और समाजी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम आयतुल्ला दुरानी के दर्जात को बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को इस नाकाबिल तलाफी नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए सब्र जमील अता फरमाए।
रावलपिंडी के थाना पी विदाई की हदूद में पुलिस की मुबैना मिली भगत से मनशियात की सरेआम फरोख्त जारी है। शहरियों ने मनशियात फरोशों के खिलाफ अस्खुद कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी थाना पीरवदाई की हदूद में पुलिस की मुबैना मिली भगत से मनशियात फरोशी एक जो है वो सरेआम जारी है और इस पर जो वो शहरियों की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ खुद जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। शहरियों ने मनशियात फरोश को रंगे हाथों पकड़कर उसके कब्जे से जो है वो मनशियात और नकदी जो है वो बरामद कर ली है। सजाद और सज्जू नामी जो शख्स था जो सरेआम जो है ये मनशियात का कारोबार करता था, इसे हिरासत में लेने के बाद जो वो पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो है वो इस मनशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। अब बात करेंगे हज 2020 की। सऊदी अरब ने हज के लिए SOPs जारी कर दी। हाजी हजरे अस्वद नहीं छू सकते। कोरोना वायरस के बाइस हज 2020 के लिए सऊदी अरब ने SOPs जारी कर दी। हाजियों को हजरे अस्वद छूने की इजाज़त नहीं होगी। मास्क और जायनमाज लाना ज़रूरी करार दिया गया, जबकि अशिया खुर्दनोश लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कंकरियाँ भी सऊदी हुकूमत फ्राहम करेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद।